ये ठरकी यहाँ एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा? नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है, एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे। अब जावेद भाई। मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके, आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा बे? आप दोनों साथ में करते हैं बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ? ये कब हुआ बे? क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, एमएलए हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेन लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया, हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हा? मैं हाँ समझू। सठिया गया है क्या? अपुन एमएलए तो दिल नहीं है क्या? एमएलए को दिल नहीं होता? देख अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक है, किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। व्हाट? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी, उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक एमएलए हो, 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी, किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी, 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी, नो कॉम्पिटिशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी, उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी।